ओके मैम, सबसे पहले आप बहुत सुंदर लग रही है साड़ी में काफ़ी, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहे साड़ी के बारे में कुछ। एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे हैं जनक की शादी और थीम है रेड एंड पिंक, दैट इज व्हाई आई एम वेयरिंग रेड साड़ी और कंट्रास्ट में लाइक इट्स अ पिंक ब्लाउज। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है एंड ऑब्वियसली स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखता है विथ हैवी ज्वेलरी। साड़ी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, सिंपल साड़ी है, इसलिए ज्वेलरी थोड़ी हैवी रखी है एंड आई थिंक गर्ल्स लुक वेरी प्रिटी और एनी बडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारा लुक देता है एंड आई हैव लव दिस लुक। आपकी जो ज्वेलरी है काफ़ी बहुत सुंदर लग रही है, थोड़ा सा अगर आप ज्वेलरी के बारे में अगर आप बताएं। जी, ज्वेलरी देखिए जब भी आप बहुत सिंपल सा कुछ पहनते हो तो ऑब्वियसली उसको इन्हांस करने के लिए आप थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहनते हो एंड वाइस वर्सा अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क वाले कपड़े पहनते हो जिसमें बहुत सारा वर्क किया हुआ है एंड यू वेयर वेरी लिटिल ज्वेलरी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। ओके, शो में काफ़ी अगर आप देख रहे हैं कि शादी हो रही है जनक की और आप लोगों की जो सरदर्द थी वो अब बाहर निकलने की तैयारी है, क्या होने जा रहा है मैम? दरअसल बस हम वेट ही कर रहे थे इस दिन का जब जनक की शादी होगी और वो इस घर से जाएगी। हम बहुत डेस्परेटली ये चाहते थे कि कुछ भी करके ये हमारे घर से जाए और अनीता पीछा छूटे इस लड़की से एंड बस उसी की तैयारी में हम लगे थे और फाइनली आज वो दिन है जब उसकी शादी हो रही है। लेकिन अन्नी जो है वो यहाँ पर भी है और अर्शी के साथ भी है, मतलब काफ़ी कंफ्यूज कर दिया उसने। हाँ, बट आई गेस आज की जनरेशन भी ऐसे ही है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। एक तो बहुत एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होती है और बेस्ट फ्रेंड अलग होती है, गर्लफ्रेंड अलग होती है, तो ये जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। ओके, क्या लगता है कि जनक के साथ शादी तो कैंसिल होने वाली, जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया है, तो क्या होने वाला है, मतलब आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ये शादी तो नहीं हो पाएगी जैसे आप लोग सबने प्रोमो में देखा है, बट क्या होता है उसके बाद वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, आखिर एक ही सवाल पूछा जाए।